छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण की वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने बिलासपुर में रैली की, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को हाई क्वालिटी के कार्यकर्ता बताया। राहुल ने कहा कि यहां के सभी कार्यकर्ता कांग्रेस के बब्बर शेर हैं। वहीं भाजपा पर निशाना साधते हुए राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक परिवार के खाते में 15 लाख डालने की बात कही थी, पर 5 साल बीत चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। वहीं देश में कांग्रेस सरकार आने पर सालाना गरीबों के खातों में 72,000 रुपए और 5 साल में 3,60,000 रुपए डालने की बात भी कही। साथ ही न्याय योजना में मिलने वाली राशि घर की महिला सदस्य के खाते में भेजी जाएगी। अब चुनाव से पहले राहुल और मोदी के वादों पर जनता कितना भरोसा करती है, यह तो चुनाव के नतीजे ही बताएंगे।